1984 ਦੇ ਕੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਪੀੜ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕੱਲੂਘਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 2 जून तो 5 जून तक करवाए जाएंगे। इस पावन स्वरूप के बीते साल पहली बार संगत को दर्शन करवाए गए सन। संगत को उस गोली के भी दर्शन करवाए गए सन जो जून 1984 दक्षिणी दरवाजे तो लंघ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लगी सी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदर साहिब से श्री अकाल तख्त साहिब से जून 1984 का फौजी हमला सिख मानसिकता का सदीप हिस्सा बन चुका है। हर साल जून महीना चढ़द्या ही सिख कौम के ये अले जख्म रिसन लगते ने। उन्होंने कहा कि इस फौजी हमले दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे सुशोभित पावन स्वरूप नूं गोली नाल जख्मी कर दिता गया सी, जिस दे संगत नूं हुण दर्शन करवाए जाणगे। उन्होंने दस्या कि इस पावन स्वरूप नूं 2 जून तो 5 जून तक श्री अकाल तख्त साहिब के नज़दीक स्थित गुरद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह विखे सुशोभित किया जाएगा। इन्हां चार दिनों विच सवेर तो लैके शाम तक संगतां पावन स्वरूप के दर्शन कर सकनगियां। धामी ने जून 1984 सचखंड श्री हरिमंदर साहिब ते श्री अकाल तख्त साहिब ते समय दी कांग्रेस सरकार वालों किए गए फौजी हमले के शहीदों नूं श्रद्धा ते सतिकार भेट करन लई श्री अकाल तख्त साहिब ते 6 जून के शहीदी समागम नूं कौमी एकजुटता दे नाल मनाउण दी अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह दिहाड़ा सिख कौम लई कदे ना भुलाया जाण वाला दुखांत है ते इस मौके ते शहीदों नूं श्रद्धा ते सत्कार भेट करन समय संजीदगी सुहिरदता बेहद जरूरी है। श्री हरिमंदर साहिब ते श्री अकाल तख्त साहिब ते होए फौजी हमले दा अज पहला दिन सी। फौज ने समुचे कंपलैक्स नूं घेर लिया सी। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अंदर मौजूद चश्मरीदा मुताबक फौज की गोली दोपहर 12:30 बजे तो रात 8 बजे तक लगातार कंपलैक्स के अंदर चलती रही, जबकि अंदरों एक भी फायरिंग नहीं हुई सी। सिख कौम लई यह तीजा घल्लूघार है, जबकि सरकार इस नूं ऑपरेशन ब्लू स्टार दसदी है। ब्यूरो रिपोर्ट द खालस टीवी।